हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 24 एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 24। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पडल एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। वट डू यू सी वेन अ ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम अ पडल इज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप? यू इनिमरेबल माइक्रोब्स कैन बी सीन मूविंग अबाउट इन इट। सी वट इज सेड हियर, यू हैव टू टेक अ ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द पडल। पडल मीन्स जो पानी जमा हुआ रहता है ना रास्ते पर ऐसे गड्ढे में, उसमें का एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लेना है एंड यू हैव टू पुट इट ऑन द ग्लास। एक ग्लास टीप जो रहती है उसके ऊपर उसको रखना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द थ्रू द माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप जो ये मशीन होती है ना, इससे हम माइन्यूट चीज़ें, माइक्रो यानी बहुत छोटी से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अमीबा है, तो अमीबा ऐसे आंखों से हम देख नहीं सकते। कुछ जर्म्स होते हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके जरिए देखेंगे तो वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दिस इज द मशीन थ्रू विच वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर वो ड्रॉप ऑफ वाटर आप लोगे पडल में से और उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको इतने सारे माइक्रोब्स उसमें दिखाई देंगे। माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे कीड़े बोल सकते हैं हम, जर्म्स बोल सकते हैं, वो उसमें आपको दिखाई देंगे। यू विल सी द कंटिन्यूअसली मूविंग अमीबा, उसके अंदर आपको अमीबा भी दिखेगा। द पैरामोशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक द अमीबा। पैरामोशियम जो होता है वो भी अमीबा की तरह एक सेल वाला एनिमल होता है, यूनिसेल्युलर यानी जिसमें एक ही सेल होता है। इंसान में बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन अमीबा में या पैरामोशियम, ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यूनिसेल्युलर होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ही सेल होता है। अ हॉर्स, अ बियर, अ टॉटॉइस आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हॉर्स है, बियर है, टॉटॉइस है, ह्यूमन बीइंग है यानी मैन वुमन जो है वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। वट इज़ द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ अवर बैक कॉल्ड? द चेन ऑफ बोन्स जो हमारे बैक में होते हैं, बैक बोन्स होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? एनिमल्स विद, उसे बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। एनिमल्स विद अ वर्टिबल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फॉर्म टू ग्रुप्स नोन एज द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारा जो बैकबोन होता है ना, बड़ा सा रीढ़ की हड्डी, और उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, चेन ऑफ बोन्स होता है। तो वो जिनके शरीर में होता है उन्हें बोला जाता है वर्टिब्रेट्स, वो उसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसके शरीर में है, जिसके पीठ में है, तो वो होते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके नहीं होते हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। स्नेक्स, बर्ड्स, फिश एंड कंगारूज एज ऑल्सो ह्यूमन आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। कौन कौन है वर्टिब्रेट्स, किस किस के शरीर में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं? स्नेक्स, बर्ड्स, फिश, कंगारूज एक्सेट्रा। Animals such as snails, cockroaches, earthworms do not have a vertebral column. लेकिन snails जो है, cockroach जो है, earthworm जो है, उनके शरीर में vertebral column नहीं होते हैं। Therefore they are invertebrate animals. इसलिए उनको क्या बोला जाता है? Invertebrate animals. Name some animals which legs and others which give birth to their young ones. अब कुछ animals ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं और अंडे में से उनके बच्चे निकलते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हमने लिविंग थिंग्स में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाले लेसन में ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कोई भी लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को जब जन्म देता है, दूसरा लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अ हेन ले एग्स एंड हैचेस देम। हेन क्या करता है, जो वो क्या करती है, एग्स देती है और उसके ऊपर फिर बैठ जाती है, तो उसे गर्माहट मिलती है और गर्माहट के कारण वो एग जो है वो फूट जाता है और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है।
आफ्टर फ्यू डेज द यंग किक्स हैच आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे चिकन्स जो है वो निकलते हैं बाहर। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ, काऊ जो है गाय वो छोटे बच्चे को जन्म देती है। बिफोर दैट द काफ ग्रोज विद इन द काउज बॉडी, तो काऊ कोई अंडा थोड़ी ना देती है, काऊ डायरेक्ट जन्म देती है ना छोटे काफ को। तो वो काफ जो है वो पहले बॉडी में बढ़ता है, जैसे इंसान जो है इंसान का जन्म भी कैसे होता है, माँ के पेट में वो पहले बढ़ता है बच्चा और उसके बाद 9 महीने बाद वो बाहर निकलता है, तो वैसे ही गाय का भी होता है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, अब इस हिसाब से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है यानी उसको डिवाइड किया गया है, नेमली ओवी पेरस एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, अंडे में से जन्म देने वाले एनिमल्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन करने वाले, उनको बोला जाता है ओवी पेरस। एंड जो एनिमल्स डायरेक्ट जन्म देते हैं बच्चे को, छोटा जो बेबी होता है उसको जन्म देते हैं, वो होते हैं वीवी पेरस एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वेयर आर द एनिमल्स नेमली अ हॉर्स, अ बियर, टॉर्टोइज, अ एलिगेटर, अ फिश, अ डियर एंड अ फ्रॉग टू बी फाउंड, अब ये जो एनिमल्स है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, अब देखो जो एनिमल जहाँ पे रहता है उसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट यानी उसके रहने की जगह कौन सी है, वो कहाँ पे रहता है, तो उसके हिसाब से भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को, तो उसके हिसाब से भी हम उसके क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऐसे दो पार्ट किए हैं, दो टाइप्स किए हैं। हाउएवर एनिमल्स लाइक अ फ्रॉग, सेलेमेंडर, टोड लीव इन बोथ प्लेसेस नेमली लैंड एंड वाटर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं वो होते टेरेस्ट्रियल, जो सिर्फ पानी में रहते हैं वो होते एक्वेटिक, और जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, सेलेमेंडर है, तो ये एनिमल्स जो है एम्फीबियन एनिमल्स बोला जाता है इनको, जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह पे रह सकते हैं। अ काइट, एन ईगल, अ क्रो, अ बटरफ्लाई, अ हनी बी, ऑल फ्लाई इन द एयर दो दे लीव इन द डिफरेंट प्लेसेस, ये जो उड़ने वाले एनिमल्स है जैसे बटरफ्लाई है, क्रो है, ईगल है, काइट है, हनी बी है, तो इनकी अलग अलग जगह होती है। दीज एनिमल्स आर सेड टू हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ, इनको क्या बोला जाता है, एरियल मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि उनका एक ठिकाना नहीं होता है, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। ये देखिए कुछ एनिमल्स, ये गाय है, टॉर्टोइज है, बियर है, एंड दिस इज फ्रॉग है ना। तो Always remember, in the living world, a lot of diversity is seen both in animals and plants. Every plant and animal is unique. We should all make efforts to conserve this diversity in the living world. Her plant or her animal unique होता है. Unique यानी अलग, uncommon. सबसे अलग होता है. तो सबकी अलग अलग speciality होती है. उनका रहने का तरीका अलग होता है. वो उसका उनका habitat अलग होता है. उनका reproduction system अलग होता है ना। तो ये डाइवर्सिटी, इसी ही बोला जाता है डाइवर्सिटी, यानी विविधता, अलग अलग जो पन होता है हर एनिमल में वो। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द शेप ऑफ स्टेम, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर हमने किया है, उस प्लांट्स की जो हाइट है उसके हिसाब से, फिर शेप के हिसाब से, शेप ऑफ अ स्टेम उसके हिसाब से, फिर उसका लाइफ स्पैन कितना है यानी लाइफ साइकिल कितना है, कितने दिन वो जिंदा रहता है उसके हिसाब से, फिर हैबिटेट यानी वो कहाँ पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से। और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है हमने, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, वो उसके हिसाब से किया है, फिर वर्टिबल कॉलम जिनके शरीर में होता है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है और उनका हैबिटेट क्या है उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। सो दिस लेसन एंड्स हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स।
आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, तो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच.